आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड 19 प्रबंधन से संबंधित एवं JEE AS संबंधी मंडलीय समीक्षा बैठक। कहा, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन है महत्वपूर्ण, उनकी रक्षा करना हम सबका है कर्तव्य। तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्स में लेवल 2 के 200 बेड के कोविड 19 अस्पताल की तैयारियों का किया निरीक्षण। कहा, जल्द कोविड मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा शुरू, मिलेगा बेहतर इलाज। नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों ने पहली बार किया वर्चुअल शपथ ग्रहण। DPRO ने कहा, 860 ग्राम प्रधानों ने लिया अपने पद और कर्तव्य निष्ठा का शपथ, अस्तित्व में आई गाँव की सरकार। तीन दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जिला अस्पताल के इंसेफ्लाइटिस वार्ड का निरीक्षण। इलाजरत सभी बच्चों का जाना हाल, व्यवस्था से दिखे संतुष्ट। बच्चों से कहा, मिल रहा है ना बेहतर इलाज, कोई समस्या तो नहीं। सदर सांसद रवि किशन ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण। किया अपील, कहा, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, बचे अफवाहों से अवश्य लगाएं टीका। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 131 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 5 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 58,287। अब तक 639 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 3,054 हो गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने BRD मेडिकल कॉलेज के इंसेफ्लाइटिस वार्ड का किया निरीक्षण। मरीजों और परिजनों से पूछा कुशल क्षेम। कहा, इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। सदर सांसद रवि किशन का दिखा अलग रूप, पहले खुद गांव को किया सैनिटाइज, फिर निशुल्क राशन वितरण में बटाया हाथ। कहा, जिले के 8,10,000 लाभार्थियों को 31 मई तक उपलब्ध कराया जाएगा निशुल्क राशन। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित 75 बूथों पर किया गया 19,842 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन। 45 साल से ऊपर के 11,508 तथा 18 साल से ऊपर के 8,334 लोगों ने लगवाया कोविड का टीका। CMO ने कहा, रजिस्ट्रेशन कराकर अवश्य कराएं वैक्सीनेशन, कोरोना प्रोटोकॉल का करें पालन। और शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू का मंगलवार को भी देखने को मिला आंशिक असर। कोरोना कर्फ्यू से कोविड संक्रमितों में आई कमी।